फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे आज, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न, क्वेश्चन नंबर इज वन। क्वेश्चन नंबर वन है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस, एंड एक्सप्रेस एक्सप्रेस ऐसे एस ए मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन गुणा कीजिए और एक मिश्र भिन्न को निगमित कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ए आपका है 3 × 5 1/5, 5 1/5, 3 × 5 1/5, तो 3 × 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5, 5 का 5 में मल्टी, क्या होगा 5 का 5 में मल्टी और प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 25, 25 और 1 26, 26/5, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 18 = 8, 6 × 18 = 8, हंसी लगाए 3 × 6 = 7, नीचे 5, 5 × 5 बचेंगे 2, 5 × 25 0.5 × 30। चाहो तो इस तरीके से, या फिर एक तरीका और है उस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, 7 × 78 = 5, तो 5 × 1 = 5, 2 × 8 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25 = 3, तो एम्प्लाइज रेट 15 × 3/5, 15 × 5 = 75, 78/5, इस तरीके से भी ये आपका आंसर। ये पहला सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि इस प्रकार होगा, बी वाला, 5 × 6 = 3/4, ये क्वेश्चन आपका, 5 × 6 = 3/4 = 5 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 और 3 = 27/4 = 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, हासिल लगा 3, 5 × 10 = 3, 13/4। चार तिया 12, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 5 × 5, 4 × 12, 33 = 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी वाला क्वेश्चन है आपका 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, तो 7 × 4 = 8 और 1 = 9, 9/4, 9 × 7 = 63, 63/4, 63 में हम 4 का भाग लगाते हैं, तो लगा के देख लेते हैं हम, 63 में 4 का 4 × 4, 4×5 = 20,
तो हम देखते हैं 15 3 4 15 सही 3/4। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सी भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी हमारा कहता है, क्या कहता है, 4 × 6 1/3। तो ये हो गया आपका 4 × 3 6 18 और 1 19, 19/3, 19 × 2 38, 19 × 3 57, 19 × 4 76/3, 3 का भाग लगा दो 76 में, 3 × 6, 3 × 6, 3 × 5 15। तो ये आपका आंसर आ गया 25 सही 1/3, 25 सही 1/3। अगला क्वेश्चन है आपका ई, क्वेश्चन नंबर ई, 3 सही 1/4, ई 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 × 6 × 6, 3 × 12 = 13, 13/4 × 6, तो 2 से 2 × 4 = 2, 3 = 6, तो ये हो जाएगा आपका 13 × 3/2, 13 × 26 = 39, 39/2, 2 का भाग लगाया 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, बचेंगे 1, 18 सही 1/2 आंसर। इस तरीके से हम विभिन्न सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। पूर्णांक और मिश्र भिन्न का गुणनफल भी एक मिश्र भिन्न प्राप्त होगा। पूर्णांक और मिश्र भिन्न का गुणनफल भी हमें एक मिश्र भिन्न ही प्राप्त होगा।